तो भैया कुछ लोग इतने ज्यादा जिद्दी होते हैं ना कि वो अपने जिद से लाल घोड़े को भी सफेद बना देने पे आतुर रहते हैं। अरे भाई, नजरों से साफ दिख रहा है कि घोड़ा सफेद नहीं बल्कि लाल है, लेकिन वो अपनी जिद के सामने ये शोर मचा देंगे कि नहीं। ऐसे ही कुछ लोग पाकिस्तान से भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले मैच में भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 267 रनों का एक बड़ा टारगेट और एक अच्छा टारगेट पाकिस्तान को दिया था, और उस दिन सब लोगों ने देखा कि उस दिन का जो पिच था वो किस तरह से गेंदबाजों को सपोर्ट कर रहा था। भैया उस दिन का पिच बल्लेबाजों के लिए उस पिच पर मानो कुछ भी नहीं था, और ऐसे मुश्किल भरे पिच में 267 रन बनाना ये कोई गाजर मूली काटने वाला काम नहीं था भैया। और इस बात को पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर यूनुस खान समेत कई लोगों ने माना कि यह काम पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला था, पर पाकिस्तान के कुछ जिद्दी लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि वो उल्टा भारत को कह रहे हैं कि अरे भैया उस दिन बारिश ने भारत को बचा लिया, अगर उस दिन बारिश नहीं आता तो भारत मैच हार जाता। तो पाकिस्तान के उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ब्रो बस थोड़ा सा सब्र करो, बस 10 तारीख का इसी महीने के 10 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच एक और धमाकेदार मुकाबला होने वाला है, और खुशी की बात यह है कि इस दिन के लिए हम लोगों ने एक अलग दिन रिजर्व रखा है, यानी कि अगर 10 तारीख को ये मैच नहीं हो पाएगा तो फिर वो मैच 11 तारीख को खेला जाएगा। तो इस बार आपको बारिश से बचने का कोई बहाना भी मिलने वाला नहीं है। फिलहाल रोहित शर्मा और शुभमन गिल की शानदार पारी के बदौलत भारत ने नेपाल को पूरे के पूरे 10 विकेट से हरा दिया है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि पिछले मैच में हम लोगों ने अपना बैटिंग को टेस्ट कर लिया था और अब बारी थी हमारे बॉलिंग को देखने की, क्योंकि भैया मौसम का जो मिजाज था, ऐसे में दूसरे पारी में मैच पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। इसलिए रोहित शर्मा चाहते थे कि आज के मैच में हम बॉलिंग का टेस्ट करें, इसलिए रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन भारतीय टीम ने अपने शुरुआत के 5 ओवरों के अंदर 3 आसान कैच छोड़े, और भारतीय फील्डरों के द्वारा छोड़ा गया 3 कैच जिसका भरपूर फायदा नेपाल के बल्लेबाजों ने उठाया। इसके साथ साथ दीपेंद्र सिंह के 29 रनों की पारी और सोमपाल कामी के 48 रनों की पारी ने सबका दिल जीत लिया। नेपाल की टीम 49वें ओवर में 230 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है, और भारत के सामने 231 रनों का टारगेट नेपाल की टीम रखती है। जवाबी कार्रवाई में जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने मैदान पे उतरी तो पिछले मैच की तरह ही मात्र 2 ओवर की खेल के बाद एक बार फिर से मैच में बारिश आ जाती है, और लगभग 2 घंटे बारिश के बाद मैच को जब दोबारा फिर से शुरू किया जाता है तो DLS मेथड के तहत भारत को 23 ओवर में जीत के लिए 145 रनों का टारगेट दिया जाता है। दोबारा जब मैच शुरू हुआ तो कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए चौके छक्कों की बरसात करना शुरू कर दी। कप्तान रोहित शर्मा ने 6 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 59 बॉल पे 74 रनों की एक शानदार पारी खेली। वहीं शुभमन गिल ने भी 62 बॉल पे 67 रनों की पारी खेली, और नेपाल के गेंदबाज अपना पूरा दमखम लगा दिए, लेकिन अंत तक दोनों बल्लेबाजों में से किसी भी बल्लेबाज को आउट नहीं कर पाए, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने 20 ओवर में ही इस टारगेट को बड़ी आसानी से अचीव कर लिया। लेकिन भैया मुद्दे वाली बात यह है कि नेपाल की टीम ने जिस तरह भारतीय टीम के सामने अपना पूरा दमखम लगाकर एक शानदार क्रिकेट का खेल दिखाया है, ऐसे में नेपाल टीम को बहुत बहुत बधाई, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में नेपाल क्रिकेट काफी आगे जाए और ऊंचाइयों को छुए। तो हमारी ये शुभकामनाएं नेपाल के टीम के साथ, और भारत के इस जीत के साथ ही पाकिस्तान के साथ साथ भारतीय टीम भी अब Super 4 में क्वालिफाई कर चुकी है, और बस चंद दिनों के इंतजार के बाद यानी कि 10 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच एक और धमाकेदार मुकाबला हमें देखने को मिलने वाला है, और उस मुकाबले में दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाएगा भैया। और फिर तब आप ये मत कहना कि भैया घोड़ा तो सफेद था, क्योंकि उस दिन आपको साफ साफ दिख जाएगा कि घोड़ा लाल था और घोड़ा लाल ही था। तो भैया इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हाँ बाबर आजम
और विराट कोहली में आप किसे सबसे बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।